Again in this video class, I am Kaila Seth, teacher of DAV Public School CCL Giridhi. जैसा कि मैं पिछली क्लास में क्लास 12 का अकाउंटेंसी में चैप्टर पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, जिसका नाम हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल. हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा और क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया. तो लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डील, फीचर्स विशेषताएं पार्टनरशिप का, पार्टनर्स के अधिकार राइट्स और कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्टिंग का हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने सीखा. आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और आज का क्या क्या टॉपिक होगा, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में ही फर्स्ट डे में बताया था कि इस चैप्टर में मेनली तीन अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ये तीन मेन अकाउंट है. और क्यों बनाते हैं, ये तीनों अकाउंट्स है क्या, एक शॉर्ट में हम लोग फिर से जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाते हैं. यानी पार्टनरशिप फर्म होगा, बिजनेस होगा, जहां दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर बिजनेस चलाएंगे, तो वहां पर उस पार्टनर्स के बीच, उन सबों के बीच एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के आधार पर प्रॉफिट बांटा जाएगा. तो जो भी एग्रीमेंट होगा उसके आधार पर प्रॉफिट बांटने के लिए ही हम लोग एक यहां पर नया अकाउंट बनाते हैं, जो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बढ़ा हुआ पार्ट होता है. यानी इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया. अब हम लोग दूसरा बात करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता कौन है. तो पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे, फर्म बनाती है, यानी पार्टनरशिप फर्म बनाती है. इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसको क्यों बनाते हैं. तो भाई प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस के थ्रू होगा पार्टनरशिप बिजनेस में, उस प्रॉफिट या लॉस को एज पर जो समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के आधार पर हम लोग बांटने के लिए इस अकाउंट को बनाते हैं. और ये क्या होता है, जस्ट नॉमिनल अकाउंट होता है. और डेबिट साइड में हम लोग कौन कौन सा आइटम्स लिखेंगे और क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट को समझ लेते हैं. तो जस्ट फॉर्मेट हमारा किसी के अकाउंट का जैसे होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू एंड बाय, दिस इज लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं. हम लोग डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसको समझ चुके हैं, बट एक बार रिव्यू कर देते हैं, एक मिनट लगेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस, अगर बिजनेस को चलाने से नेट लॉस आया है तो नेट लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में लिखेंगे. इसके बाद लेफ्ट साइड में हम लोग और क्या क्या लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे, एक्स वाई जेड एबीसी जो भी पार्टनर्स होंगे, सबको एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो हम लोग अलग अलग से यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद एबीसी जितने भी पार्टनर्स होंगे सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके यहां पर लिखेंगे. इसी तरह अगर एग्रीमेंट हुआ है, किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देने का बात हुआ है, पार्टनर्स के बीच समझौता हुआ है, तो यहां पर सैलरी टू पार्टनर लिखेंगे. अगर कमीशन देने का बात हुआ है तो कमीशन टू पार्टनर लिखेंगे. इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, सबसे पहले इधर भी हम लोग समझ लेते हैं. अभी हमने बताया कि अगर बिजनेस चलाएंगे और लॉस होगा तब तो डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अगर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद अगर पार्टनर्स ड्रॉइंग करते हैं, यानी बिजनेस से पैसा या कुछ भी सामान
घर में यूज कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हो आउट ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसे कंडीशन में हम यहां पर उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे एज पर एग्रीमेंट, जो भी समझौता होगा। हर एक चीज का यहां पर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात हो, चाहे किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देने का बात हो, चाहे किसी पार्टनर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने का बात हो, ये सारा एग्रीमेंट में होता है। और जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एग्रीमेंट ही हमारा क्वेश्चन होगा, यानी किसी बिजनेस का ओवरऑल सारा इंफॉर्मेशन क्या क्या एग्रीमेंट था दिया रहेगा, और उसी से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो एग्रीमेंट में होगा वही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव का फॉर्मेट जान रहे हैं, तो फॉर्मेट में हमने बताया कि इधर में क्या क्या लिखेंगे और राइट साइड में क्या क्या लिखेंगे। तो राइट साइड में अगर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे प्रॉफिट के केस में। इसके बाद अगर पार्टनर पैसा निकाल लिया है, ड्राइंग किया है आउट ऑफ प्रॉफिट, पैसा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल कर ले जाता है, तो एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट अगर चार्ज होगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। अब यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स होंगे, सपोज तीन पार्टनर है, कोई एक पार्टनर ही ड्राइंग करता है, तो एक पार्टनर पर इंटरेस्ट चार्ज करके यहाँ लिखेंगे। अगर तीनों करते हैं तो तीनों का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर एबीसी जितने भी पार्टनर्स होगा जो भी नाम होगा लिख कर यहाँ लिख दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम लोग ओवरऑल सारा कुछ लिखने के बाद टोटल करेंगे। अगर टोटल क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड जो टोटल आएगा सेम हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और देन इधर में जो जो आइटम रहेगा उस आइटम्स को अगर माइनस करेंगे टोटल में से तो यहाँ जो बच जाएगा इसको हम लोग प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हम पहले भी बता चुके हैं, अभी डिपेंड करेगा कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट में होगा। तो अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से अपना रहे, हमारे पास जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड है वो फिक्स मेथड है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, अस्थाई मेथड है, तो वहां पर हम लोग सीधा प्रॉफिट को या लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग कैपिटल या करंट जैसा भी मेथड होगा, अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट में और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है, अगर डेबिट साइड हमारा एक्सेस कर जाता है क्रेडिट साइड से, तो ऐसे कंडीशंस में पहले टोटल हम लोग डेबिट साइड करेंगे क्योंकि इधर ज्यादा होगा, सेम अमाउंट को हम लोग इधर लिखेंगे, और इस इधर में से जो जो आइटम लिखा रहेगा मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है, जो भी होगा हम लोग इधर में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस टोटल में से इधर का आइटम माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा हम लोग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखेंगे। जैसा पहले भी बता चुके कैपिटल अकाउंट में तभी ट्रांसफर करेंगे जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जब हमारा कैपिटल का फिक्स्ड मेथड को अपनाएंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब ये फॉर्मेट है मींस लेजर है, एक तरह से अकाउंट है, तो हर अकाउंट्स में कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जर्नल से आता है, तो यहाँ पर सारे आइटम्स का हम लोग जर्नल भी एक बार सीख लेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगे, कौन कौन से जर्नल एंट्रीज होंगे। तो वन बाय वन और जर्नल एंट्रीज जब भी पास करेंगे या कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो बिजनेस यानी फॉर्म के बुक में बनाएंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक उल्टा अगर बिजनेस में लॉस होता है तो एंट्री भी उल्टा हो जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के केस में। तो ये दो एंट्रीज हो गया प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा एंट्री, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर ये तय हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा तो उसका क्या एंट्री होगा। तो इसके लिए दो एंट्रीज होगा, एक ड्यूज के लिए और एक ट्रांसफर के लिए।
तो पहला एंट्रीज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों होगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर फॉर्म के लिए लॉस होगा। हम लोग जैसा क्लास 11 से समझते आ रहे हैं कि जब भी अकाउंटिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल्स होता है, हमारा बिजनेस एंटिटी एजम्पशन होता है, यानी एज पर बिजनेस एंटिटी एजम्पशन हम बिजनेस को और मालिक को ऑलवेज हमेशा अलग मानते हैं, और जो भी अकाउंटिंग करते हैं हम लोग बिजनेस या फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर समझे कि हम अकाउंट्स बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस अपने मालिक को इंटरेस्ट देगा तो लॉस होगा, और लॉस के केस में आप सभी जानते हो, क्लास 11 पढ़े हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई भी लॉस होगा तो लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं, और कोई प्रॉफिट हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। लेकिन ठीक उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, मालिक को, तो मालिक का जो पैसा हमारे पास है, ये कैपिटल है, कैपिटल भी तो लायबिलिटीज होता है, तो हमारा लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज बढ़ जाएगा। और कोई भी लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, और अगर लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन घटेगा तो डेबिट करेंगे। तो पहला एंट्री क्लियर हो गया होगा कि अगर एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होगा, इसलिए डेबिट होगा। और जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करेंगे, अलाउ करेंगे, तो हमारा पार्टनर्स का पैसा बिजनेस में बढ़ जाएगा एज ए कैपिटल, तो हम कैपिटल को बढ़ा देंगे, लायबिलिटीज को बढ़ा देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, और जैसा पहले भी बताया, या फिर करंट अकाउंट, ये डिपेंड करेगा मेथड पर। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। और ये सारा एंट्री इंडिविजुअली पास होगा जितने भी पार्टनर्स होंगे, यानी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, और जितने भी पार्टनर्स होंगे एबीसी, हम एज कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ऐसा लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट कौन सा है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज नहीं है, यानी इस आइटम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। पहले जैसे हम लास्ट क्लास में बताएं, लास्ट वीडियो में बताएं कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो हमने पहले भी बताया कि जितना आइटम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिखते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय, वो सारा हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, वो पार्टनर्स के बीच एज पर एग्रीमेंट जो देने का बात होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में से जस्ट हम लोग शेयर करते हैं, प्रॉफिट में से देते हैं, यानी वो कोई खर्च नहीं है जो बिजनेस को चलाने के लिए हुआ हो, चाहे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव, ये हमारा खर्च नहीं है, ये पार्टनर्स के बीच एक एप्रोप्रिएशन है, बंटवारा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी हुआ ये एप्रोप्रिएशन आइटम है, इसलिए दूसरा एंट्रीज होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हम लोग अब दूसरा नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, तो सेम अगर एग्रीमेंट में सैलरी या कमीशन देने का बात है पार्टनर्स को, तो हम लोग सैलरी या कमीशन सेम, यहां पर ये लॉस होगा फर्म के लिए, और कोई भी लॉस को हम लोग बार बार बोलते हैं कि डेबिट करते हैं, तो सैलरी और कमीशन को डेबिट करेंगे, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी जब भी क्रेडिट होगा यानी बढ़ेगा। तो सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद ठीक जैसा सैलरी या कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन का, यह एंट्री हमारा हो गया सैलरी और कमीशन के लिए। इसके बाद हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बात करते हैं। तो जब भी ऑनर मालिक बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालकर घर ले जाता है, पर्सनल यूज करता है उसको बिजनेस से किन से निकालकर, तो हम लोग उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स जब होता है तो ऐसे कंडीशंस में एज पर एग्रीमेंट अगर फर्म मालिक पर इंटरेस्ट चार्ज करती है
तो यहां पर फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, और कोई भी प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने बताया कोई भी लॉस डेबिट होता है, कोई भी प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट होगा यानी क्रेडिट होगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया, तो डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि ये हम पार्टनर्स की कैपिटल या करंट से ही पैसा काटेंगे। और जैसा हम पहले बताएं कि पार्टनर्स यानी कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है, और जब भी उसको घटाना होगा तो डेबिट कर देंगे, और बढ़ाना होगा तो क्रेडिट नेचर का है, क्रेडिट ही करेंगे। तो इसलिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काटना है, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को घटाना है, इसलिए डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर करंट अकाउंट लिखेंगे एज पर मेथड, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, क्योंकि ये फायदा इसलिए क्रेडिट हुआ और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कटेगा यानी घटेगा, इसलिए डेबिट हुआ। और फिर ये फायदा है तो हम लोग इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि हम लोग पार्टनर्स के बीच सारा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो दूसरा एंट्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद लास्ट जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर सिक्स नंबर में या फिर और भी होगा, अगर हम लोग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन को बांटते हैं पार्टनर्स के बीच एज पर एग्रीमेंट, तो लास्ट में अगर हमारे पास प्रॉफिट आता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लास्ट में बचेगा उसको दिए हुए रेशियो या अनुपात में बांटेंगे, और इससे पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्म का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हर हाल में क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर बाय द वे लॉस आता है लास्ट में, जो हमारा डिविजुअल प्रॉफिट नहीं आता है, लॉस आता है, तो लॉस के केस में हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट काटेंगे तो डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये सारा एंट्रीज हो गया जो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट का, और दोनों मेथड हम लोग बात करेंगे, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैसे हम लोग उसको शो करेंगे, कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मेट जान लेते हैं, और जैसा पहले हम बता चुके हैं दो मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो सबसे पहले फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड जानते हैं, जिसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जैसा पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और सीख चुके कि बिजनेस के प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जैसा भी एग्रीमेंट या समझौता होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको बांट देंगे। बांटने के बाद और ये सारा अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म बनेगा। अब ये प्रॉफिट बांटने के बाद हम लोग सारे इंडिविजुअल पार्टनर्स का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेंगे कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगाया, कब कब वो निकाल लिया, जैसे ड्राइंग्स निकाल लिया या फिर फ्रॉम कैपिटल निकाल लिया। जब हम विदड्रॉइंग ड्राइंग्स बोलेंगे तो जो अमाउंट विदड्रॉवल होगा वो दो वे में हो सकता है, एक आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कभी पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि अपने कैपिटल को ही रिड्यूस कर देना है, यानी बिजनेस में जो कैपिटल पार्टनर्स लगाए हैं उसको अगर कम करने का डिसाइड करते हैं तो सीधा वो कैपिटल को ही घटा देंगे, यानी कैपिटल में से पैसा निकाल देंगे, तब इसको हम लोग विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल बोलेंगे। और अगर बिजनेस चल रहा है तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बटा, तो बहुत बार अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स ज्वाइन करते हैं जो कमाते हैं उसमें से, यानी विथड्रॉवल आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से पैसा वो निकालते हैं, मे बी वो लौटा भी देते हैं या फिर उसके कैपिटल में से कट जाता है, या मेथड के अकॉर्डिंगली करंट अकाउंट में से उसका पैसा कट जाता है, यानी जितना प्रॉफिट होता है उसमें से उसका पैसा कट जाता है। तो हम लोग दो तरह का विथड्रॉवल बात करेंगे, विथड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल एंड विथड्रॉवल आउट ऑफ प्रॉफिट।
अभी हम लोग उसको अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा होगा आगे समझने में, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड चल रहा है, तो इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पर मैं दो पार्टनर्स का एग्जांपल लिया है ए एंड बी, ताकि आसानी से समझा जा सके। ये हमने अकाउंट को कॉलमनर मेथड में बनाया है, कॉलमनर वे में बनाया है, ए और बी का अकाउंट एक साथ। आप अगर चाहो तो ए का अकाउंट बी का कैपिटल अकाउंट अलग अलग भी एज ए लेजर हम लोग खोल सकते हैं, बना सकते हैं। ए का अकाउंट अलग से खोल लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट ए का खोल लेंगे, फिर हम लोग बी का भी इसी तरह से नीचे खोल लेंगे। तो वन बाय वन भी हम लोग इंडिविजुअली भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान होगा और टाइम भी सेव होगा, तो हम लोग कॉलमनर वे में ही सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाते हैं, जिसमें दो पार्टनर ए और बी हमने माना है। तो सपोज ए और बी दो पार्टनर है, तो पर्टिकुलर ए बी और पर्टिकुलर ए बी, लेफ्ट साइड इज डेबिट होता है और राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड है, अस्थाई तरीका अपनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल ही लिखेंगे और कुछ भी दूसरा नहीं लिखेंगे। हाँ, जैसा मैंने बताया कि अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अपने कैपिटल को बढ़ाना है, एडिशनल कैपिटल लाना है, फर्दर कैपिटल लाना है, कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लाना है, या फिर अपने कैपिटल को रिड्यूस कर लेना है, कैपिटल को घटा लेना है, तो ऐसे कंडीशंस में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू कैश या फिर बाय कैश या बैंक होगा। कहने का मतलब, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड को अपना रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट जितना कैपिटल होगा लिख देंगे, और दो ही चीज यहां पर आ सकता है इसमें, इसके अलावा बैलेंस शीट और सीडी के अलावा। अगर पार्टनर्स डिसाइड करता है एडिशनल कैपिटल लाने का, कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लाने का, तो बाय में कैश या बैंक, और कैपिटल को रिड्यूस करने का, यानी विथड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टू कैश और बैंक लिखेंगे। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स है। फिक्स का मतलब हो गया शुरू से लेकर अंत तक कैपिटल सेम होना चाहिए, और उसमें ना कोई प्रॉफिट ऐड होगा, ना इंटरेस्ट ऐड होगा, ना कोई इंटरेस्ट उसमें से कटेगा, ना ही हम कोई लॉस उसमें घटाएंगे, यानी कैपिटल को सेपरेटली हम लोग मेंटेन करेंगे, ताकि वो कैपिटल फिक्स रहे, रिमेंस अनचेंज रहे, यानी बदले नहीं सालों पर, हमेशा वो बदलता ना रहे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद इसमें सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, दूसरा एक अकाउंट बनाएंगे फिक्स मेथड में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाकी जितना भी चीज होगा सालों भर का, जो एप्रोप्रिएशन होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो विथड्रॉवल होगा, वो सारा चीज हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, सेम डेबिट साइड पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी क्रेडिट साइड, और करेंट अकाउंट में ये दोनों बैलेंस हो सकता है, कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। अगर किसी ईयर लॉस हुआ तो ऐसे कंडीशन में उसका करेंट अकाउंट अपने आप डेबिट में आ जाएगा, किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो फिर क्रेडिट में आ जाएगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। अगर डेबिट होगा तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बिटवीन लिखेंगे क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस बिटवीन दोनों में लिखेंगे। कभी कभी दो पार्टनर है, एक का डेबिट है एक का क्रेडिट है, तो जिसका क्रेडिट होगा बैलेंस बिटवीन लिख देंगे, और जिसका डेबिट होगा टू बैलेंस बिटवीन लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में और क्या क्या लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे जो भी एज पर एग्रीमेंट पार्टनर को दिया जाएगा, फिर समझौता के हिसाब से सैलरी या कमीशन दिया जाना है तो बाय में हम लोग सैलरी एंड कमीशन लिखेंगे, जिस पार्टनर को भी देंगे उसी पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया होगा, जो हम लोग वहां लिख देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में आएगा, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा दोनों पार्टनर में जो भी रेशियो तय होगा उस रेशियो से बांटकर हम लोग यहां पर लिखते हैं। इसके बाद डेबिट साइड में हम लोग और क्या क्या लिखेंगे, तो पहला तो बैलेंस अगर डेबिट है करंट अकाउंट का तो लिखेंगे। इसके बाद ड्राइंग्स लिखेंगे, तो यहां पर ड्राइंग्स दो तरह का हो सकता है, हम लोग यहां पर जो लिखेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो पार्टनर्स आउट ऑफ प्रॉफिट पैसा ड्रॉ करता है, अपने कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए घटाने के लिए नहीं करता है, हम उस ड्राइंग्स को यहां लिखेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद अगर
उस ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रावधान है, एग्रीमेंट है, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखेंगे। फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएशन अकाउंट बनाते हैं और वहां पर प्रॉफिट नहीं आया हो, लॉस आ गया हो, तो उस लॉस को हम लोग डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस लिखेंगे, जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहां पर मेथड हमारा अस्थायी है। तो यहां पर लॉस लिखेंगे और देन फिर हम लोग टोटल करेंगे। अब जो साइड यानी एक पार्टनर का टोटल करेंगे, डेबिट या क्रेडिट कोई भी साइड बड़ा हो सकता है, जो साइड बड़ा होगा, अगर मान लो क्रेडिट साइड बड़ा होता है, सेम अमाउंट यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे और इधर में बैलेंस लिख देंगे जितना बचेगा। अब अगर दूसरे पार्टनर का टोटल या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड किसी भी साइड बड़ा हो सकता है, तो सबसे पहले लोग जो साइड बड़ा होगा उसका टोटल करेंगे। सपोज बी का टोटल डेबिट साइड ज्यादा है तो सबसे पहले टोटल करेंगे और सेम अमाउंट को यहां पर लिखेंगे और देन इधर में जितना आइटम हम पहले बताया उसको सारा माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा हम लोग इसको बैलेंस शीट लिख देंगे, यानी बैलेंस कैरिड डाउन। यही बैलेंस हमारा अगला साल के अकाउंट की शुरुआत में जाएगा। तो ये हमारा हो गया अस्थाई मेथड यानी पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जाएगा। हाँ, अगर कैपिटल को रिड्यूस या बढ़ाने का बात होगा, बढ़ाना चाहेंगे पार्टनर्स, तभी वहां पर बाय कैश जब पैसा बढ़ाना हो, कैपिटल बढ़ाना हो, या टू कैश या बैंक जब कैपिटल को रिड्यूस करना हो। इसके अलावा फिक्स्ड मेथड अस्थाई मेथड में कुछ भी नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में, जो भी चीज आएगा वो सारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। तो करंट अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं, फॉर्मेट सारा हो गया। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग से ही पता चलता है बढ़ना घटना, बढ़ते घटते रहना, यानी ऐसी कंडीशंस में जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा कैपिटल बढ़े या घटे, प्रॉफिट या लॉस से, ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बढ़ सकता है घट सकता है, यानी वो पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अपना रही है, तो ऑलवेज वहां पर कैपिटल बढ़ता घटता रहेगा। क्योंकि जो शुरुआत में कैपिटल होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितना भी एप्रोप्रिएशंस का आइटम्स है, सारा लाकर हम लोग कैपिटल भी एडजस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक कैपिटल चेंज होता रहेगा हर साल। शुरुआत में कुछ और रहेगा, लास्ट में कुछ और हो जाएगा, इसलिए ही हम इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी अस्थाई पूंजी तरीका। अब हम लोग जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही से बनाएंगे, नो नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। और कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में, हमने फिर यहाँ पर दोनों पार्टनर का एक ही का एग्जांपल लेकर बनाया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, इसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी देने का बात है या दोनों को देने का बात है तो दोनों में लिख देंगे, कमीशन किसी पार्टनर को देने का बात है तो बाय में कमीशन लिख देंगे। फिर अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है किसी भी कंडीशन में, चाहे पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हो या कोई एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हो, या किसी भी कंडीशंस में अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लाते हैं तो हम लोग बाय कैश या बाय बैंक भी इधर देखेंगे ताकि कैपिटल बढ़ जाए। इसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में टू बैलेंस बीडी, कभी कभार किसी किसी पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस होता है उल्टा होता है, डेबिट होता है और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में नजर आता है। तो वैसे कंडीशंस में एसेट साइड में अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल दिख रहा है तो डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जिस भी पार्टनर का होगा तो बैलेंस बड़े लिखेंगे। इसके बाद ड्राइंग्स, यहां दोनों तरह का ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहां कोई कैपिटल के अलावा बनाना नहीं है पर्सनल अकाउंट, करंट अकाउंट बन नहीं रहा है, तो जो भी पैसा आएगा या जाएगा, प्रॉफिट बटेगा, वो सारा कुछ आपको पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है। तो यहां अगर ड्राइंग यानी कैपिटल को घटाने के लिए करता है तब भी ड्राइंग्स यहां लिखेंगे, या फिर अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग करता है, कुछ पैसा घर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तब भी हम लोग ड्राइंग्स यहां पर लिखेंगे।
इसके बाद इंटरेस्ट ऑन राइट्स का जो भी समझौता या एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन राइट्स लिख देंगे यहां पर। फिर हम लोग सेम जैसे लेजर को बंद करते हैं, देखेंगे डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो टोटल करेंगे और फिर सेम अमाउंट डेबिट साइड लिखेंगे और फिर क्रेडिट में जितना भी आइटम है उसके अमाउंट को सम करके माइनस करेंगे टोटल में, जो बचेगा बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट इधर आता है या कभी कभी इधर भी आ सकता है किसी पार्टनर का, जैसा भी होगा हम लोग कर लेंगे। तो इससे हम लोग ये सीख चुके कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्या क्या फॉर्मेट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन से जर्नल एंट्रीज हैं, हमने सारा बताया। और दूसरा हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दो मेथड, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। और हमने ये भी सीखा फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल या सिर्फ अगर कैपिटल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तभी बाय कैश या टू कैश लिखेंगे, बाकी कोई आइटम नहीं लिखेंगे। बाकी सारा आइटम्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीज है पार्टनर्स को दिया जाना है वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग में सीख गए कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे और जो भी चीज होगा पार्टनर्स का कैपिटल होगा लिखेंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। यानी अब यहाँ पर एक चीज छूट गया था, लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के कोई प्रॉफिट आता है तो इधर प्रॉफिट भी बांट देंगे तो देन फिर टोटल करेंगे। इसी तरह अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के लॉस आता है तो लॉस भी हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लॉस को भी इधर लिख देंगे डेबिट साइड। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स को जितना भी चीज यानी आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी टू पार्टनर होगा, कमीशन टू पार्टनर होगा, प्रॉफिट टू पार्टनर्स होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा लाता है तो बाय कैश लिख देंगे। और डेबिट साइड में किसी भी तरह का ड्रॉइंग्स चाहे कैपिटल से कर रहा हो चाहे प्रॉफिट से कर रहा हो यानी कैपिटल को घटा रहा हो प्रॉफिट में से कर रहा हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का बात हो या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के लॉस आता है तो उस लॉस को भी इधर लिखेंगे, देन हम लोग टोटलिंग करेंगे, जिधर भी साइड ज्यादा होगा टोटल करके फिर हम लोग सेम साइड दूसरे साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट फाइंड कर देंगे। इसी तरह हम लोग दोनों पार्टनर का बैलेंस शीट या तो इधर भी आ सकता है या तो इधर भी आ सकता है, जिधर भी आएगा हम लोग फाइंड कर देंगे और इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बना सकते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज पर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड कब कब कौन सा फॉर्मेट बनाना है ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। बट यहां पर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो मेनली दो जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन प्लस उसके कुछ प्रोविजंस हैं इस प्रोविजंस में। तो हम लोग सबसे पहले वन बाय वन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड बात को सीख लेंगे तो देन फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ पाएंगे अच्छा से कर पाएंगे। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सा कंडीशंस में कौन सा फार्मूला लगाते हैं ये जानते हैं। देखते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फर्स्ट वन व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं मालूम होगा यानी सीधा ड्राइंग्स दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एक लमसम अमाउंट 50,000 40,000 30,000 तो वैसे कंडीशंस में दो बात को ध्यान देना है, अगर रेट के साथ पीए पर एनम लिखा हुआ है या फिर रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, दो बात को ध्यान देना है। जब रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ रहेगा और डेट ऑफ ड्राइंग्स मालूम नहीं होगा यानी ड्राइंग कब हुआ है पैसा कब निकला है बिजनेस से ये मालूम नहीं है, सीधा एक लमसम अमाउंट ड्राइंग का मालूम है, तो
तो यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनल ड्रॉइंग निकालने के लिए, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6 बाय 12। 6 बाय 12 क्यों? क्योंकि डेट मालूम नहीं है, तो यहां पर 6 मंथ्स आर टेकन एज एवरेज बेसिस, ऑन एवरेज बेसिस, टेकन एज एवरेज बेसिस। यानी जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं होगा तो यहां पर आपको 6 महीने का एवरेज बेसिस पर ड्रॉइंग्स निकालना है, लेकिन कब? जब रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ रहेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं भी मालूम है तो आपको 6 महीना नहीं लेना है। तब ऐसे कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100। दो बात क्लियर कर क्या सीखना है। सबसे पहले देखना है कि ड्राइंग लमसम एक अमाउंट दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ, उसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो वहां पर देखना है रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम लिखा हुआ है यानी ईयरली लिखा हुआ है, और जो रेट दिया हुआ है पर एनम यानी सालाना लिखा हुआ है, तो वहां पर क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स मालूम नहीं है तो 6 महीने का एवरेज निकाल लेना है। यानी टोटल ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स टोटल तो सेम ही अमाउंट दिया रहेगा, ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6 बाय 12, नो प्रॉब्लम। डेट नहीं है, जो भी ड्राइंग्स टोटल हुआ लिखो, रेट बाय 100 लिख देते हैं और 6 मंथ का एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही रेट के साथ पर एनम नहीं होगा तो आपको 6 महीने लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। कब? जब रेट के साथ पर एनम नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन, कैसे इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। व्हेन द अमाउंट एंड इंटरेस्ट इंटरवल, सॉरी व्हेन द अमाउंट एंड इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म। हाँ, जब पार्टनर्स एक सुनिश्चित अमाउंट और एक सुनिश्चित इंटरवल्स के बाद, फासला के बाद निकालते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। कहने का मतलब, जब पार्टनर्स एक सुनिश्चित अमाउंट जैसे 5,000 हर बार, और एक सुनिश्चित टाइम या डेट या इंटरवल्स फासला के बाद, जैसे हर महीने के 1 तारीख को 5,000 निकाल रहा है तो हर एक महीने पर निकालेगा और प्लस क्या होगा 5,000 ही निकालेगा। इसी तरह कोई पार्टनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपया हर बार निकाल रहा है, बट वो कैसे निकाल रहा है? हर 3 महीने पर निकाल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? सेम अमाउंट 10,000 ही निकाल रहा है और हर बार जो निकालने का फासला है, इंटरवल्स है, वो 3 महीने का है। कोई पार्टनर हर 6 महीने पर निकाल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करेंगे वन बाय वन हम लोग देखते हैं एक करके। तो अभी जो टॉपिक है वो क्या है कि जब ड्रॉइंग्स का अमाउंट एक सेम अमाउंट होगा हर बार और एक सेम फासला सेम इंटरवल्स के बाद अगर ड्रॉइंग्स निकाला जाएगा, पैसा निकाले जाएगा बिजनेस से, तो कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर हर महीने के 1 तारीख को ड्रॉइंग्स करता है तब कौन सा फॉर्मूला लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए टोटल ड्रॉइंग्स अगर 5,000 पर मंथ निकालता है तो 12 महीने तक पूरे साल में 12 × 5 60,000 रुपया होता है। तो 60,000 टोटल ड्रॉइंग्स लिखोगे, देन रेट जो भी रहेगा 5, 7, 8, 9, 12 जो भी रेट दिया रहेगा रेट बाय 100 लिखोगे और यहाँ 6.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलेगा। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एवरेज बेसिस पर, कैसे? जब हम एक सिंपल सा फॉर्मूला ले सकते हैं n+1/2, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जो ड्रॉइंग्स हो रहा है हर महीने के 1 तारीख को अगर ड्रॉइंग्स हो रहा है तो वहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। अब ये 6.5 कहां से आएगा? इसके लिए फॉर्मूला है n+1। n का मतलब पूरा 1 साल 12 महीने, 12+1 यानी डिवाइड बाय 2 तो 13/2 यानी 6.5, ये 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालता है। अगर हम इसको दूसरे तरीका से भी समझें तो
एक और फॉर्मूला होता है, यानी जो 6.5 हम लोग निकाले वो कैसे आया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉवल डिवाइड बाय 2। जैसे अगर कोई आदमी 1 जनवरी को 5000 रुपीज ड्रॉइंग किया, तो पूरा साल दिसंबर तक सपोज है, तो फर्स्ट बार जो निकाला 5000 एक तारीख को, उसके बाद पूरा कितना टाइम बचता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का 31 दिसंबर तक 12 महीने, तो हमने 12 महीना यहां लिखेंगे। और लास्ट बार वो कब निकालेगा, 1 दिसंबर को, तो लास्ट बार जो विथड्रॉवल होगा ड्रॉइंग होगा उसके बाद कितना समय बचेगा, 1 महीना। तो फर्स्ट बार जो पैसा निकालेगा उसके बाद 12 बार टाइम बचता है 12 महीना, और लास्ट बार जो ड्रॉइंग करेगा उसके बाद 1 महीना बचता है। ये दोनों का अगर एवरेज निकाल देते हैं तो 12 + 1 = 13/2, यानी 6.5 महीने का ड्राइंग निकालेंगे। तो या तो हम इस फॉर्मूला को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, या तो हम इस फॉर्मूला को n+1 यानी 12 + 1 = 13/2 करेंगे तब भी निकाल सकते हैं, और इस तरफ से हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर कितना लिखना है, यानी 6.5 महीने। तो जब भी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग होगा, हर महीने के 1 तारीख को ड्रॉइंग होगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, टोटल ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 100 इनटू 6.5/12। मैं ये भी समझा दिया हूँ 6.5 कैसे आएगा, ये दो तरीका है, मैंने दोनों तरीका बताया, एक n+1/2 करके निकाल सकते हैं, और एक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉवल डिवाइड बाय 2, तब भी 6.5 आएगा। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, दूसरा वे, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने का 15 तारीख को ड्रॉइंग करता है तब कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, तब यहां पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12 करेंगे। हर महीने के 15 तारीख को ड्रॉइंग्स होगा तो ये फॉर्मूला होगा। अब आप पूछोगे 6 कहां से आया सर, तो 6 आया n/2, यानी यहां पर फॉर्मूला n/2 हुआ, यानी 12 पूरे साल का 12 महीने बाय 2 तो 6 महीना हुआ। अब इसी को अगर हम इस मेथड से भी निकालना चाहें, या तो आप n/2 करके निकाल लो, n का मतलब 12 महीना एक साल का, तो ऐसे भी आप 6 महीना निकाल सकते हो, या फिर हमने बताया दूसरा मेथड, इससे भी आप इसका निकाल सकते हो 6 महीना कैसे हुआ। जैसे यहां पर फॉर्मूला क्या है, यहां पर फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉवल डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब पहला बार जो पैसा निकाले उसके बाद कितना टाइम बचता है, और लास्ट बार जो पैसा निकाले उसके बाद कितना समय बचता है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहां पर फिर 6 महीना आ जाएगा। कैसे, अगर हर बार 15 तारीख को पैसा ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, इसका मतलब जनवरी के 15 को पहला बार निकाला तो 15 दिन तो बीत चुका था। अब पहला बार जो निकाला वहां से आप जोड़ लो दिसंबर 31 तक, 11.5 महीना होगा। और लास्ट बार कब निकालेगा, 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर के बाद 15 दिन बचता है, तो 11.5 महीना, और लास्ट में हमारा बचा 15 दिन यानी आधा महीना, तो 11.5 महीना और आधा महीना कितना हुआ भाई, 12 महीना, तो 12 महीना डिवाइड बाय 2, फिर आ गया ना 6, यानी 6 हम लोग क्यों लिखते हैं ये बात समझा दिए। या तो आप एंड वाला फॉर्मूला से बना सकते हो या इस फॉर्मूला से बना सकते हो, दोनों वे में जब भी मिडिल इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग होगा तो टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12 का फॉर्मूला लगाओगे, इंटरेस्ट निकल जाएगा। हम लोग तीसरा देखते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर कोई पार्टनर मंथ के लास्ट डेट को, यानी हर महीने के लास्ट में, जैसे जनवरी 31 हो, फरवरी 28 हो, 29 हो, मार्च 31 हो, अप्रैल 30 हो, इस तरह से अगर पैसा निकालता है और एक सेम अमाउंट निकालता है, तो फिर हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करेंगे और क्या फॉर्मूला होगा। तो यहां पर फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स, यानी अगर 5000 हर महीना निकाल रहा है 12 महीने तक निकालेगा तो 60000 इंटू रेट बाय 100, रेट जो भी होगा, अगर 10% होगा तो 10/100 इंटू 5.5, यानी 5.5 महीने बाय 12 करना है। अभी 5.5 महीना कहां से आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है n-1/2,
एन का मतलब पूरा साल भर 12 महीना, तो 12 माइनस 1 11 बाई 2, एन माइनस 1 बाई 2 ये फॉर्मूला हो गया। तो 12 माइनस 1 यानी 11 महीना, 11 बाई 2 यानी 5.5 महीना, तो ये 5.5 महीना लेना। या फिर एक दूसरा तरीका है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंटरवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंटरवल, तो इस तरह से भी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है, सपोज जनवरी 21 को कोई आदमी निकाला ड्राइंग किया 5,000 रुपए, तो उसके बाद कितना समय बच गया इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए? कोई आदमी 21 जनवरी को अगर पैसा लिया है तो बाकी का 11 महीना पर इंटरेस्ट लेंगे, तो पहला जो ड्राइंग हुआ उसके बाद 11 महीना बचा। इसके बाद लास्ट पर जो निकालेगा वो 31 दिसंबर को निकालेगा, उसके बाद कोई टाइम नहीं बचेगा, जीरो। तो फिर क्या होगा फॉर्मूला? पहला बार जो निकालेगा उसके बाद 11 महीना बचेगा 31 जनवरी के बाद, और लास्ट बार निकालेगा उसके बाद 0 महीना बचेगा 31 दिसंबर के बाद। तो 11 प्लस 0 यानी टोटल ऐड करेंगे तो 11 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5 महीना। इसलिए हम लोग फॉर्मूला 5.5 महीना यहाँ पर लेते हैं, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5 बाई 12। ये हमारा हो गया। इस फॉर्मूला से आप अगर हम लोग समरी बना ले कि कौन सा फॉर्मूला होगा, तो अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ मंथ अगर हम लोग बात करें, मंथ अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का बात करें, तो फॉर्मूला होगा बिगिनिंग के लिए टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और काटने के बाद फिर बाय 2। इसके बाद अगर हम लोग मिडिल का बात करें, मिडिल हर महीने के मिडिल में, तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एन बाय 2 बाय 12। या फिर हम अगर तीसरा हम लोग हर महीने के एंड का बात करें, तो टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एन माइनस 1 बाय 2 बाय 12। हम इस फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और हम अगर ये फॉर्मूला एवरेज बेसिस से अपना लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का सम को दो से ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट कौन सा लेना है यानी फर्स्ट बार जो ड्राइंग होगा उसके बाद जितना मंथ बचा हुआ है, और लास्ट बार जो ड्राइंग हुआ है उसके बाद जितना मंथ बचा हुआ है, दोनों को ऐड करके अगर दो से डिवाइड कर देते हैं, तो वही पीरियड का हमें ड्राइंग्स निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है इन द केस ऑफ मंथली विथड्रॉवल। इसी तरह अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली हर 3 महीने पर ड्राइंग करता है तो फार्मूला क्या होगा और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वार्टरली। नाउ थर्ड, ये सेकंड हमारा हो गया व्हेन द अमाउंट, यहां से इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, अब हम लोग क्वार्टरली लेते हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब क्वार्टरली यानी ड्रॉइंग अगर क्वार्टरली करते हैं पार्टनर्स, हर 3 महीने पर पैसा निकालते हैं, तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करेंगे? इसके लिए सेम कंडीशन जैसे हमने पढ़ा कि अगर इन द बिगिनिंग ऑफ हर महीने के शुरुआत में निकालेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, हर महीने के बीच में मिडिल में 15 तारीख को निकालेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, और हर महीने के एंड में यानी लास्ट डेट को निकालेगा तो क्या फॉर्मूला होगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनर एक यूनिफॉर्म अमाउंट हर क्वार्टर में यानी 3-3 महीने पर निकालता है तो क्या फॉर्मूला होगा। इसके लिए एक दो बात हमें जानना चाहिए कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एक साल में 12 महीने, अगर हम बोले एक साल में कितने क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, राइट? जैसे अगर एक साल को 12 टुकड़ा में बांटते हैं तो हर एक महीना यानी 12 महीना होता है, इसी तरह अगर पूरे एक साल को 4 टुकड़ा में बांट दें तो एक टुकड़ा एक क्वार्टर कहलाता है,
और एक क्वार्टर में कितना महीना आया, अगर 12 महीने को 4 टुकड़ा करे तो 4 × 3 = 12, यानी हर टुकड़ा में 3 महीना आया, यानी एक क्वार्टर का मतलब 3 महीना। अब हम लोग यहां देखते हैं कि अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कोई पार्टनर हर क्वार्टर हर 3 महीना की शुरुआत में निकालता है एक सर्टेन अमाउंट, यानी एक सुनिश्चित अमाउंट, तो क्या फॉर्मूला लेंगे? तब हम लोग टोटल ड्राइंग लेंगे। अगर 10,000 पर क्वार्टर निकालता है तो पूरे एक साल में 10,000 × 4 बार निकालेगा तो 4,500 दिखेंगे, × 8/100 रेट जो भी होगा 10-12 तो 12% होगा तो 12/100 लिखेंगे, और × 7.5/12 फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जैसे मंथ में 1n+1 होता था, यहाँ पर n+3 करेंगे क्योंकि वहां एक महीना होता था, यहाँ पर एक क्वार्टर का महीना मतलब 3 महीना होता है, तो n+3 यानी 12 + 3 = 15/2 यानी 7.5 महीना, ये 7.5 है। फिर हम लोग दूसरा, अभी अगर इसी क्वेश्चन को इस वे में अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो भी हो जाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट बार निकालने के बाद तो टाइम देखें, तो पहला बार 1 जनवरी को अगर निकालता है तो इसके बाद 12 महीना का टाइम बचता है, इसके बाद हर 3 महीने पर निकालेगा तो लास्ट के ड्राइंग्स के बाद 3 महीना बचेगा, तो 12 महीना और 3 महीना 15/2 करेंगे तो ऑटोमेटिक 7.5 आएगा, चाहे आप इस फॉर्मूला को यूज करिए या फिर n+3/2 करिए, सेम 7.5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद हम लोग दूसरा, इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स को हर 3 महीने के बीच में निकालता है, जैसे अगर पहला क्वार्टर का बात करें तो 1 जनवरी से 31 मार्च होगा 3 महीने का एक क्वार्टर, लेकिन वो बीच में 15 फरवरी को निकालता है, 1.5 महीना इधर से 1.5 महीना इधर से, यानी बीच में निकालता है, तो हर क्वार्टर के अगर बीच में निकालेगा तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला n/2, चाहे मंथ हो चाहे क्वार्टर हो चाहे हाफ ईयर भी हो, अगर मिडिल होगा तो हर कंडीशंस में n/2 का फॉर्मूला लगेगा। यानी फिर ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स × rate/100 × 6/12, क्योंकि यहां पर n का मतलब 12 लेंगे, 12 महीना होता है 4 क्वार्टर में एक साल में, 12/2 यानी 6, इसलिए 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। इसके बाद 6 का अगर बात करें तो यहां पर फिर हम लोग देखते हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कोई पार्टनर हर 3 महीने के बाद एंड में लास्ट में, जैसे पहला क्वार्टर होगा अगर जनवरी से दिसंबर पूरा साल है तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीना बीतने के बाद 31 मार्च को निकालेगा, इसी तरह फिर 3 महीना बीतेगा तो निकालेगा, यानी हर 3 महीने के बीतने के बाद 3 महीने के एंड में अगर ड्राइंग करता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, जैसे अगर 10,000 हर बार निकाल रहा है तो हर 3 महीने के बाद 10,000, फिर 3 महीने के बाद 10,000, तो 4 बार निकलेगा एक साल में 40,000 × rate/100 रेट जो भी होगा 10 होगा तो 10/100 × 4.5/12, फिर वही बात 4.5 कहां से आया, ये फॉर्मूला है कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है, यहां फॉर्मूला लगाएंगे n − 3/2 यानी 12 महीने का एक साल −3/2 9/2 4.5। अब ये n कहां से आया, कैसे फॉर्मूला बना? तो सिंपल सा बात, हम लोग फिर यहां पर बात करेंगे कि जो फर्स्ट बार अमाउंट निकलेगा उसके बाद कितना टाइम बचा और लास्ट बार जो ड्राइंग हुआ उसके बाद कितना टाइम बचा, ये दोनों को ऐड करके एवरेज बेसिस पर 2 से डिवाइड करेंगे तो उतना महीने का हम लोग ड्राइंग निकालते हैं। तो अगर हर 3 महीने के एंड में यानी पहला 3 महीना बीत गया तो ड्राइंग हुआ, तो फर्स्ट बार जो पैसा निकलेगा उसके बाद 9 महीना बच रहा है, और लास्ट बार में जो निकलेगा वो क्वार्टर के एंड में निकलेगा तो 0 महीना बचेगा, तो 9 महीना + 0 महीना यानी दोनों को अगर जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही 4.5 महीना बचता है, चाहे आप इस n-3 के फॉर्मूला से निकालिए चाहे आप इस फॉर्मूला से निकालिए, यानी ये 4.5 ही आएगा। अब हम लोग अभी तो फिलहाल हम लोग फॉर्मूला वाइज सीख रहे हैं, लेकिन आगे के वीडियो में हम ये भी समझने का कोशिश करेंगे इसका बेसिक बात क्या है, कैसे कहां से आया है। हर बार हम टोटल एक क्वेश्चन लेकर ड्रॉ करेंगे
कि कैसे पैसा को निकाला, हर बिगनिंग में, मिडिल में या एंड में क्या इंपैक्ट हुआ और कैसे एवरेज निकालते हैं, ये पूरे डिटेल में हम समझाने का कोशिश करेंगे। बट अगला वीडियो में और कुछ फॉर्मूला और बचा हुआ है, जैसे अभी इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई पार्टनर एक सुनिश्चित अमाउंट नहीं निकालेगा, हर बार ड्राइंग कुछ अलग ही अमाउंट कर लेगा, एक सुनिश्चित इंटरवल्स नहीं होगा, कोई भी कभी एक महीने के बाद, कभी दो महीने के बाद, कभी बिगनिंग में, कभी एक तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी लास्ट महीने के लास्ट में, ऐसा अगर कोई ड्राइंग करता है पार्टनर तो वहां पर सारा फार्मूला फेल हो जाएगा। हम ना बिगनिंग वाला, मंथ वाला, ना क्वार्टर वाला कोई फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, एक सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल कोई भी अमाउंट कितना कब निकला डेट मालूम है, तो सीधा सा कितना महीने का उसमें इंटरेस्ट निकालना है आप निकाल लो। अगर 6 बार अमाउंट ड्राइंग किया है तो उस 6 अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल कर ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। या तो फिर एक दूसरा तरीका है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे फॉर्मूला क्यों आया, कहां से आया। लेकिन इसके लिए आपको अगला वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक आप लोग सारी चीजों को रिवीजन करके रखिए, जितना मैंने 2 क्लास में पढ़ाया, 2 वीडियो में पढ़ाया, सारी चीजों को रिवीजन करिए। आगे का क्लासेस जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और इसके लिए आप तैयार रहिए। ओके, थैंक यू।